को गिरफ्तार करना पड़ा। सोशल मीडिया पे जिन्होंने भी गलत भ्रामक संदेश दिया, 14 FIR करके 23 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 5 मुकदमे दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। ईसी एक्ट में 5 मुकदमे दर्ज करके 11 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, अर्थात कुल मिला के 154 मुकदमे दर्ज करके 345 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। और इसी पीरियड में कोरोना में जो जने बदमाशी करते पाए गए 151 में 217 इस सजा से पेश कर 445 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, अर्थात 700 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने पे 12,765 चालान करके 26.39 लाख का जुर्माना करना पड़ा। 307 दुकानदारों का चालान कर 1.53 लाख जुर्माना करना पड़ा। सार्वजनिक स्थान पे थूकने वालों पे 95 लोगों का चालान कर 19,000 का जुर्माना हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग में 38,116 चालान करके 38,11,000 रुपये का चालान जुर्माना कटा। कुल मिला के 51,312 कार्रवाई करके 66.39 लाख जुर्माना करना पड़ा। ये सारी सख्त कार्रवाई ऐसे जिले में है जहाँ के लिए मैं धन्यवाद देके ये कह चुका हूँ कि सब लोग सुनते हैं और मानते हैं। अब आप देखिए, ये सब करने के बाद भी आपको 51,000 चालान करने पड़े, तो आप इस चीज की गंभीरता समझ सकते हैं। मेरा ये मेरे विभाग की तरफ से सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से यदि दूसरे को परेशानी होती है तो उसमें लाजमी है कि सख्ती करनी पड़ेगी। तो जो भी नॉर्म्स राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के हैं, जो कि आपको अच्छी तरह मालूम है, उनकी पालना करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखें।